चलिए तो आज हम लोग फाइनली गायनेशियम को समाप्त करें। देखिए गायनेशियम में मैंने क्या क्या बताया भाई, मोटी मोटी बातें याद रखो है ना, कि गायनेशियम के तीन पार्ट होते हैं, मैंने तीन पार्ट बताया है। उसका जो सबसे बेसल पार्ट होता है उसको हम लोग ओवरी कहते हैं, उसका जो मिडिल पार्ट होता है उसको स्टाइल कहते हैं, और जो सबसे ऊपर में जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह करता है, सरफेस बनता है पॉलन ग्रेन के लिए, उसको कहते हैं स्टिक। फिर मैंने आपको कहा कि ओव्यूल के अंदर दो पार्ट, सॉरी ओवरी के अंदर दो पार्ट होता है, एक होता है ओवरीवॉल और एक होता है ओव्यूल। ठीक है, अपराइट फर्टिलाइजेशन पूरा का पूरा ओवरी कहलाने लगता है फ्रूट, उसमें ओवरी वॉल फ्रूट की वॉल बन जाती है जिसको पेरिकार्प कहते हैं, और उसके अंदर जो ओव्यूल होता है चाहे वो जितना भी हो, मैंने कहा था एक भी होता है एक से अधिक भी होता है, कहा था ना कल, चाहे जितना भी ओव्यूल हो वो सबके सबके बन जाते हैं सीड। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बता दिया, कुछ कुछ ऐसे भी हैं ओवरी जिसके अंदर एक ही ओव्यूल होता है, बाद में एक ही सीड बनता है, मैंगो वगैरह सब बताया था कल। ठीक है, फिर इसके अलावा मैंने कुछ ऐसे भी बताया जिसके अंदर एक ही ओवरी के अंदर कई सारे ओव्यूल्स होते हैं, इसके भी कई सारे एग्जाम्पल बताए थे है ना, पपाया वगैरह सब बताया था, अमरूद वगैरह सब, और एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑर्चिड जो आपके ध्यान से उतर सकता है। ठीक है, ये भी। फिर मैंने कहा कि ऐसे ही गायनेशियम भी दो टाइप का हो सकता है, नंबर ऑफ कार्पेल्स के बेसिस पे, कहा था कल है ना, मोनोकार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी, मतलब कि मल्टी कार्पेलरी सिखाया था। ठीक है, फिर मैंने ये कहा था कि मल्टी कार्पेलरी में दो कंडीशन है, सिनकार्पस और एपोकार्पस। एपोकार्पस में सारे कार्पेल्स फ्री हैं और सिनकार्पस में सारे कार्पस फ्यूज्ड। मैंने इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स भी आपको समझाया था, और सिनकार्पस में मैंने अलग अलग कैटेगरी करके बताया था, कहाँ पे दो ही कार्पेल है, कहाँ पे तीन कार्पेल है, कहाँ पांच है, और कहाँ से 4 से 16 तक वाला भी है। ये सब बात आपने गायनेशियम में पढ़ लिया। ठीक है, ये सब नॉर्मल बातें थी, ये सब आपके 12th के चैप्टर में भी काम आने वाले हैं। ठीक है, नाउ अब जो आपको पढ़ना है एक टर्म है प्लासेंटेशन, क्या है इस टर्म का मतलब, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये टर्म वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड अगेन प्लासेंटेशन इज नॉट एन एलर का क्या कर रहा है तुम अभी से, क्या कर रहा है नीचे, सब पेन गिर गया था भाई, उठा रहे पेन गिर रहा था, अभी पेन का जरूरत है। अगेन दिस प्लासेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगेन दिस प्लासेंटेशन इज नॉट एनी स्ट्रक्चर, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। बताओ ऐसे कितने वर्ड आ गए आपके सामने जो स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट है, कौन बताएगा सारे के सारे नाम? ऐसे कई सारे टर्म आपके सामने आ चुके हैं मॉर्फोलॉजी में, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा, कई सारे टर्म आ चुके हैं आपके सामने, रिभा को बताने दो, लेडीज फर्स्ट, चलो बोलो। चलो ठीक है, फाइलोटैक्सी, इनफ्लोरेंस, वेनेशन, चलो और बोलो, इनफ्लोरेंस, इनफ्लोरिसेंस, और कुछ आया कहीं? चलो ठीक, इसका एक छूट गया, एक बता दो तुम, मुझे याद नहीं है, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन भूल गए क्या, चप्पल पेटल या टेपल का अरेंजमेंट थैलेमस के ऊपर, एस्टिवेशन। और याद करो ये सब भी कोई स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट, और याद करो जब जब मैंने ये हेडिंग डाला है तब तब भी मैंने वीवीआई लिखा है, देख लेना नोट्स खोल के, मैंने इन्फ्लोरेसेंस में भी वीवीआई लिखा था, वेनेशन में भी कहा था कि पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है, फिलोटक्स में तो ट्रिपल फाइव मतलब ट्रिपल स्टार लगा दिया था, और एस्टिवेशन में मैंने वीवीआई कहा था। भाई क्वेश्चन आते हैं मॉर्फोलॉजी से तो इसी से आते हैं, पता है क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को भी ले लिया और अरेंजमेंट को भी ले लिया, तो ज्यादा ना इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके का आज आपके सामने एक और टर्मिनोलॉजी आया, अब जिसको याद नहीं आ रहा है कि ये क्या है तो जाइए नोट्स पढ़िए, बैक रिविजन कीजिए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इनफ्लोरिसेंस, ग्रुप ऑफ फ्लावर जब पाए जाते हैं तो फ्लावर का अरेंजमेंट ग्रुप में इनफ्लोरिसेंस कहलाता है, वेनेशन, लीफ लेमिना पर वेन और इसका वेनलेट्स का अरेंजमेंट वेनेशन कहलाता है, फिलोटैक्सी, स्टेम एक्सिस पर लीफ का अरेंजमेंट फिलोटैक्सी कहलाता है, एस्टिवेशन, थैलेमस की मार्जिन पर या थैलेमस पर चपल पेटल या टेपल का अरेंजमेंट एस्टिवेशन कहलाता है। यह है चार अरेंजमेंट जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। नाउ आज आया है एक नया टर्मिनोलॉजी फिर से, प्लासेंटेशन, एक मिनट रुकना,
आफ्टर क्लास बताते हैं, भेजते रहो जो भी डाउट है। हाँ तो क्या बोल रहे थे, प्लासेंटेशन, ठीक है। तो क्या है प्लासेंटेशन, क्या आइए समझते हैं पहले इसको। प्लासेंटेशन इसमें एक वर्ड छुपा है पहले, प्लासेंटा, इसको समझना पड़ेगा। प्लासेंटा क्या, आप लोगों को मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है, खाली ये नहीं पढ़ा है, बाकी तो पढ़ा है। याद करो, ह्यूमन में प्लासेंटा जो बनता है, एक बेबी होता है, उसको ग्रो करना होता है मदर के अंदर, तो वो मदर से न्यूट्रिएंट लेता है, और न्यूट्रिएंट लेने के लिए मदर से कनेक्शन बनाता है, जिसको कहते हैं प्लासेंटा, राइट। तो उसी तरीके से प्लांट के अंदर भी होता है। एक बात बताओ, वो जो बच्चा है जो माँ की बॉडी में अभी ग्रो कर रहा है यूटरस में, वो नेक्स्ट जनरेशन है कि नहीं, वो नेक्स्ट जनरेशन है कि नहीं, और वो मदर से अभी न्यूट्रिशन लेके नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार हो रहा है कि ना हो रहा है, बोलो। तो इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी, ओवरी के अंदर, ओवरी तो माँ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो वही है फ्लावरिंग प्लांट का, ओवरी के अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है जो नेक्स्ट जनरेशन आने के लिए जिम्मेवार होगा। और आप जानते हो, सीड से नया जनरेशन आता है फ्लावरिंग प्लांट में, और सीड बनता है ओव्यूल से, यानी कि ये जो ओव्यूल है, ये ओवरी के साथ, ओवरी की दीवारों के साथ, ओवरी की वॉल के साथ ऐसा कोई कनेक्शन बनाएगा जिससे वो ओवरी की दीवारों से जुड़ा रहे और न्यूट्रिएंट ले सके। नाउ क्वेश्चन इज दैट, वो कनेक्शन जो ओवरी की दीवारों के साथ उस ओव्यूल का होगा, उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं प्लासेंटा। और मैं एक बार डायग्राम से आपको दिखा देता हूँ, याद कीजिए, ये स्टिग्मा हुआ करता था, ये स्टाइल हुआ करता था, एंड नाउ दिस इज द ओव्यूल, सॉरी दिस इज द ओवरी। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी ओव्यूल है, मान लो कि ये ओव्यूल है, ठीक है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल इस ओवरी की दीवारों के साथ यहाँ पे कनेक्शन बनाया, तो बताओ वहां पे थोड़ा सा उभार आएगा, बिल्कुल, यही कनेक्शन क्या कहला रहा है, प्लासेंटा, क्या कहला रहा है, प्लासेंटा। अब समझना ध्यान से, इस ओवरी की वॉल पर, हेलो, ओवरी की वॉल पर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट अलग अलग, इसीलिए इस अरेंजमेंट को नाम दिया गया प्लासेंटेशन, यानी कि आप डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट प्लासेंटेशन ऑब्जर्व करते हो। ये क्या है, ये ब्लू वाला क्या है, ये है ओव्यूल्स, ये है ओव्यूल्स। और आप जानते हो कि बहुत सारी ऐसी ओवरी होती है जिसमें एक ही ओव्यूल्स होता है, और बहुत सारे ऐसे ओवरी होती हैं जिसके अंदर वन मोर देन वन ओव्यूल्स होता है, और इस ओवरी की दीवारों के साथ ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ही कहलाता है प्लासेंटेशन, और ये अलग अलग प्रकार का पाया जाता है अलग अलग प्लांट में। नाउ आप एक बात गौर करो, आप एक बात गौर करो, इस ओवरी के अंदर जब ये क्या बन गया, प्लासेंटा बन गया, ओव्यूल बन गया, प्लासेंटेशन हो गया, तो आप एक बात गौर कर पा रहे हो, दिस कैविटी, ये जो कैविटी है, दिस कैविटी जो ओवरी के अंदर कैविटी बच गया, दिस कैविटी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं लोक्यूल्स, क्या कहते हैं इसको, लोक्यूल्स, क्या कहते हैं, लोक्यूल्स। और सुनना ध्यान से, एक ओवरी के अंदर एक लोक्यूल भी हो सकता है, और एक ओवरी के अंदर एक से अधिक लोक्यूल भी हो सकता है। अब मैं बताता हूँ, एक्चुअली क्या है, जब याद करो, सिनकार्पस ओवरी होता है, मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस, मतलब कि जहां पर बहुत सारे कार्पेल फ्यूज होते हैं, तो याद को मैंने कहा था वो लोग मेल बेसिकली ओवरी वाले पार्ट में फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो यूं मानो, आप ऐसे मान लो, ये क्या है, ठीक है, ये देखो मेरा ये आजकल नया कप आया है चाय पीने वाला, ठीक है, तो ये मान लो क्या है, एक एक क्या है, ये एक एक ये एक ओवरी, ये दूसरा ओवरी है, और ये तीसरा ओवरी, ठीक है, मान लो तीन ओवरी है, तीन कार्पेल है, तो वो सब क्या हो गए, फ्यूज हो गए, ओके। तो बताओ फ्यूजन के बाद आपको यहाँ पे कितना लोक्यूल दिख रहा है, तीन लोक्यूल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक दो तीन। लेकिन कई बार क्या होता है ना, फ्यूजन के बाद इस बीच की दीवारें गायब रहती है, फ्यूजन के बाद इस बीच की दीवारें गायब रहती है, तो बताओ सारे सिंगल एक ही ओवरी हो गए, लेकिन लोक्यूल्स एक ही, यानी कि इस केस में आपको एक से अधिक लोक्यूल दिख रहा है, अगर बीच की दीवारें गायब रहेगी तो ओवरी तो कई सारे रहेंगे क्योंकि फ्यूज्ड ओवरी है, लेकिन लोक्यूल्स एक ही, यानी कि अब आप कह सकते हो सर लोक्यूल के नंबर के बिहाफ पर ओवरी या फिर गायनेशन भी बोल सकते हो दो प्रकार का होगा। जनरली ओवरी टर्म यूज किया जाता है किताबों में, दो प्रकार का, पता कौन कौन, यूनिलोक्यूलर, जिसका क्या बोलते हैं, यूनि
लोक्यूलर एंड मल्टी लोक्यूलर, मल्टी लोक्यूलर। तो बताओ यूनिलोक्यूलर में क्या है, एक लोक्यूल, सिंगल लोक्यूल, वन लोक्यूल, और इसमें मोर देन वन लोक्यूल, मोर देन वन, मोर देन वन लोक्यूल। अभी मैंने आपको बताया, जाहिर सी बात है यार, एक से अधिक लोक्यूल होगा तो जाहिर सी बात है मल्टी कार्पेलरी ही होगा और सिन कार्पस होगा, तब जाके एक से अधिक लोक्यूल्स बना होगा, फ्यूजन हुआ होगा तो ओवरी के अंदर कई सारे लोक्यूल। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक से अधिक ओवरी फ्यूज करे तभी, कई बार क्या होता है एक सिंगल ओवरी के अंदर ही ये ओवरी की दीवारें इस तरीके से अंदर की तरफ ग्रो कर जाती है, कई बार इस तरीके से भी होता है, ठीक है, तो लोक्यूल्स बन जाते हैं। चलो हटाओ, आप बस इतना ध्यान रखो कि ओवरी के अंदर अगर चैम्बर एक से अधिक है तो मल्टी लोक्यूलर। देखो अगर इस टाइप से बन जाएगा, मान लिया जाए इस टाइप से बीच में सेप्टम बन गया तो दो लोक्यूल हो गया ना, तो अगर एक से अधिक लोक्यूल्स है तो मल्टी लोक्यूलर, और एक लोक्यूल है तो यूनिलोक्यूलर। ओके चलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, अब हम बढ़ते हैं आगे और आधा घंटा तक आपको कोई डाउट नहीं पूछने देंगे। हाँ भाई बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है अभिषेक? नो सर। रिवा? नो सर। अतीक? नो सर। देख लो नोट्स में, ये बात मैंने लिख दिया यहाँ पे है, ये देख लो, ये देखो यहाँ पे लिखवा दिया मैंने, ठीक है। अ चैम्बर इनसाइड ओवरी ऑफ गायनेशियम इज कॉल्ड एज लोक्यूल्स, एंड टाइप ऑफ गायनेशियम या फिर ओवरी बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोक्यूल्स इनसाइड द गायनेशियम, दो टाइप का होगा ओवरी या गायनेशियम, एक यूनिलोक्यूलर और एक मल्टी लोक्यूलर। एग्जाम्पल आपसे कोई नहीं पूछा, एग्जाम्पल अभी अपने आप आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, अलग से एग्जाम्पल बताने की कोई जरूरत नहीं है, प्लेसेंटेशन में अपने आप आ जाएंगे एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ अब हम आपके सामने वेरी वेरी, ये छोटा सा टर्म था जो बताना जरूरी था, तब आपको प्लेसेंटेशन समझ में आएगा। नाउ अब आपके सामने प्लेसेंटेशन, देखो प्लेसेंटेशन तो वैसे मैं आपको छह प्रकार का पढ़ाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट पांच ही प्रकार का जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पांच प्रकार के प्लेसेंटेशन आपको पढ़ाने जा रहे हैं, एक, दो, तीन, चार और एक पांच, ठीक है। सबसे पहले टाइप के प्लेसेंटेशन का नाम है पेराइटल, क्या नाम है, सॉरी सबसे पहले का नाम है मार्जिनल, क्या नाम है, मार्जिनल, अभी नाम लिख रहा हूं एक एक करके सबको, मार्जिनल। देन नेक्स्ट है पेराइटल, देन नेक्स्ट है एक्साइल, देन नेक्स्ट है प्री सेंट्रल, प्री सेंट्रल एंड लास्ट है बेसल, लास्ट है बेसल। ये पांच प्रकार के प्लेसेंटेशन आपकी 11th एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है और काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, आएंगे ही आएंगे। ये प्लेसेंटेशन है भैया, अलग अलग प्रकार का अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट ओवरी की दीवारों पे, अलग अलग कांड में अलग अलग टाइप के पाए, एंड वेरी फर्स्ट वन इज द मार्जिनल, ठीक है, आइए समझे मार्जिनल को, ठीक है। मार्जिनल में क्या है भैया, ये देखो ये क्या था, ये था स्टाइल, ये था स्टिग्मा और ये था ओवरी, समझना ध्यान से। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेसेंटेशन किस प्रकार की ओवरी में मिलता है। तो मुझे बताओ मैंने आपके सामने यहां पर कितने प्रकार का, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्पेल बनाया है, यानी कि मार्जिनल मिलता है मोनोकार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी, लो लिख देता हूं मैं मोनोकार्पेलरी। अब बताओ मोनोकार्पेलरी है तो अभिषेक बताएगा मैं यहाँ पे क्या लिखूं, सिनकार्पस या एफोकार्पस, सर क्या बोले फिर से बोले। मैंने कहा कि ओवरी मोनोकार्पेलरी है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिनकार्पस या एपोकार्पस, सिनकार्पस, 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 यस सर। अच्छा,
ठीक, रिभा क्या बोलेंगे? सिनकार्पस या एपोकार्पस? अरे जल्दी बोलो सर, मोनोकार्पस नहीं, एपोकार्पस। एपोकार्पस बोल दिया ना, चुप रहे चुप रहे, पढ़ता लिखता है नहीं, चुप रहे। रिभा क्या बोलेंगे सर? एपो पॉलीकार्पेलरी के लिए, मल्टी कार्पेलरी के लिए, ना कि मोनोकार्पेलरी के लिए। जब पहले बोल दिया ओबड़ी सिंगल है भैया, तो फिर किससे होगा? अरे भौंट है, और फ्री कहां से रहेगा? अरे भौंट तुगले, ठीक है। तो मोनोकार्पेलरी है, ठीक है, मोनोकार्पेलरी ओवरी है, सिंगल ओवरी है, सिंगल कार्पेल, ठीक है। नाउ मोनोकार्पेलरी के साथ साथ एक ही चैम्बर भी है, तो अब क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी यूनिलोक्यूलर, मोनोकार्पेलरी यूनिलोक्यूलर, मोनोकार्पेलरी यूनिलोक्यूलर, ठीक है भैया। मोनोकार्पेलरी यूनिलोक्यूलर ओवरी के अंदर की बात चल रही है। होता क्या, यहाँ पे जितने भी ओव्यूल डेवलप करने हैं, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये ओवरी की दीवारें, उसकी मार्जिन पर इस प्रकार से, उसकी मार्जिन, मार्जिन समझते हो ना, अरे मार्जिन जो किनारा जो होता है, किनारा, ठीक है, उसकी मार्जिन पर इस प्रकार से ग्रो कर जाते हैं, पूरी मार्जिन पर, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अगर आप इसको, जब ये आगे चल के फ्रूट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल बिकम्स द सीड एंड द होल ओवरी बिकम्स द फ्रूट, तो क्या होगा? ये वाला पार्ट तो धीरे धीरे स्टाइल और स्टिग्मा सूख जाता है, ठीक है। नाउ ये पूरा पार्ट किस प्रकार से दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखना ध्यान, ये पूरा पार्ट किस प्रकार से दिखेगा, ये आप देखो, आप इसको मैच करो छिमड़ी से, किससे? छिमड़ी समझते हो, मटर, मटर, अरे मटर जिसको कहते हो यार, ठीक है, ये मटर, ठीक है। आप देखे होंगे, ये बाहर से आप उसको देखोगे तो बस अंदर में आपको फुला फुला दाना जैसा कुछ लगेगा कि हाँ भाई अंदर में एक तरफ पूरा का पूरा दाना लगा हुआ है, इस टाइप से दिखता है कि नहीं दिखता? बिल्कुल दिखता है कि नहीं? एक टाइप से पूरा का पूरा दाना लगा हुआ है। अब आप जानते हो कि इसके ऊपर ये एक छिलका, ये पूरा का पूरा छिलका रहता है ना, छिलका ही रहता है ना, और क्या रहता है, ठीक है, पूरा का पूरा छिलका अंदर में ना सीड है, ये पूरा का पूरा छिलका है। आप समझना ध्यान से, आप एक बात गौर करना, जिधर की तरफ मटर का दाना लगा रहता है उधर की तरफ भी एक ज्वाइंट होता है, और जिधर नहीं लगा रहता है उधर की तरफ भी एक ज्वाइंट रहता है। तो इधर की तरफ जो ज्वाइंट रहता है, इधर की तरफ ये ज्वाइंट थोड़ा अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, कितने लोग गौर किए इस बात को, थोड़ा डीप रहता है, अंदर की तरफ थोड़ा सा धसा रहता है, ठीक है, जिधर से वो अटैच्ड है, और जिधर की तरफ से वो अटैच्ड नहीं रहते हैं उधर की तरफ वो उभरा हुआ रहता है, पता है, एक्चुअल में यहीं पे है प्लासेंटा, एक्चुअल में यहीं पे है प्लासेंटा, ओके, यहीं पे है प्लासेंटा। अब मुझे बताओ ये पूरा क्या है? ये पूरा है ओवरी का वॉल, ये पूरा ओवरी का क्या है? ओवरी वॉल है। अब मुझे बताओ, एक ज्वाइंट आपको इधर की तरफ मिल रहा है और एक ज्वाइंट आपको इधर की तरफ मिलता है, और ज्वाइंट को बायोलॉजी में कहते हैं सचर, क्या कहते हैं? सचर, ये है सचर, सचर बेसिकली ये है डॉर्सल सचर और ये है वेंट्रल सचर, और वेंट्रल सचर पर ही प्लासेंटा है, वेंट्रल सचर सचर पर ही प्लासेंटा है, ओवरी के पूरी दीवारों पर नहीं है। जहां वेंट्रल सचर है ना, वहां पे जो ओवरी की मार्जिन है, वहां मार्जिन पर, ओवरी की दीवारों पर मार्जिन पर प्लासेंटा है और ओव्यूल्स वहां पर अटैच्ड हैं। ये सब ब्लू ब्लू कलर क्या है? ये ओव्यूल्स हैं, बाद में जो सीड बन गए, जो बाद में सीड बन गए, और ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, इसको आप कहने लगते हो पी पॉड, क्या कहते हो? पॉड, पॉड का मतलब होता है फली, फली मतलब फल है, पी पॉड। तो ये है आपका मटर,
अब मुझे बताओ इसमें प्लासेंटेशन कैसा है। प्लासेंटेशन आपको दिख रहा है मार्जिनल, क्योंकि ओवरी की मार्जिन से लगे हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मार्जिन वेंट्रल सचर पर है, वेंट्रल ज्वाइंट पर है। अब मुझे बताओ इसके अंदर आपको लोक्यूल्स कितने दिख रहे हैं, चैम्बर कितने दिख रहे हैं। अतीक ओव्यूल के अंदर चैम्बर कितना बना, एक ही दिख रहा है, यही तो पूरा चैम्बर है और क्या। ओव्यूल के अंदर, हाँ सॉरी ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर कितने लोक्यूल्स, सिंगल चैम्बर है। तो ये रहा सिंगल, पहले लिख दिया यूनिलोक्यूलर, तो ये क्या है सिंगल लोक्यूल्स है, सिंगल लोक्यूल। ठीक है, तो ये है पी पॉड। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल मार्केट्रिक आपको लास्ट में एक साथ बताऊंगा, वही फेवेसी फैमिली। अच्छा फेवेसी फैमिली का एक और नाम मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी मतलब इसमें मटर वटर जो भी आता है, ठीक है, वो सब दाल वाली जितनी भी फैमिली है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, फेवेसी फैमिली को बिलोंग करता है। उसी का एक और नाम है पेप्लियोनेसी। ठीक है, चलिए तो ये बात हुआ आपका मार्जिनल प्लासेंटेशन में और एनसीईआरटी की डायग्राम को पहचान लेना चाहिए। अब समझना ध्यान से, एनसीईआरटी की लाइन ना, एनसीईआरटी में जो प्लासेंटेशन लिखा है उसकी लाइन में एक ऐसा वर्ड लिखा है, ऐसा छोरा छोरी कि बच्चा उसको समझ नहीं पाता है। इस वेंट्रल सचर के बारे में लिखा है कि ऑन वेंट्रल सचर, ऑन वेंट्रल सचर प्लासेंटा फॉर्म्स टू रोज। बच्चा कहेगा है ये क्या बोल रहा है, एक ही रो में तो सब अरेंज है, टू रोज होता तो इधर की तरफ भी होना चाहिए था इधर। नारे भैया उधर की तरफ जाओगे तो डोर्सल सचर चल जाओगे, अरे उधर की तरफ जाओगे तो डोर्सल सचर चल जाओगे, ऑन वेंट्रल सचर टू रोज। नहीं पल्ले पड़ा कोई बात नहीं, छिमड़ी छीले हो कभी, छिमड़ी छीले हो कभी, मौका लगा है मटर छिले हो गए, इसको छील कर दिखाते हैं आपको, आ जाइए छील कर दिखाते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ये छिमड़ी छीला, ठीक है, अरे ठीक है, और मैं कह रहा हूं आपने किधर की तरफ से छिरा है, ये है वेंट्रल सेचर, मतलब दोनों ज्वाइंट आपने खोल दिया, वेंट्रल सेचर को क्या कर दिया आपने खोल दिया, ठीक है, तो ये बोलो कि ये क्या ओपनिंग ऑफ वेंट्रल सेचर, और इधर आपका ये डोर्सल सेचर भी अब खुल गया क्योंकि आप पूरा चमड़ी को क्या कर दिए खोल दिए, ठीक है, बस नीचे पे बेस पे थोड़ा सा अटैच है। नाउ आप एक खास प्रकार का अरेंजमेंट देखोगे प्लासेंटा का, यानी कि ओव्यूल का अटैचमेंट उस वेंट्रल सचर पे, जो अब सचर रहा नहीं खोल दिया आपने, देखना अरे अरेंजमेंट स्पेसिफिक होता है, देखना कैसे है, एक मटर यहाँ है मतलब एक दाना यहाँ है, एक दाना यहाँ है और एक दाना यहाँ है, ठीक है, तो अगर इस वाले रो में दाना ऐसे है तो इस वाले में यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और इसी को जब बंद करोगे तो ऐसा हो जाएगा। कितने लोगों ने ये बात गौर किया, आंसर करो, कितने लोगों ने ये बात गौर किया, अरे वाह कभी मौका नहीं लगा छिमड़ी छिलने का घर में, घर जाओ छिलके आओ छिमड़ी तब दिख जाएगा, अच्छा दिख गया छिले, हाँ तो ऐसा अरेंजमेंट दिखता है, आप बाय चांस कभी गौर किए होंगे, और अब आप घर में छिमड़ी छिलना ठंडी के सीजन में इस बार, तो ये बात गौर करना और घर वालों को बताना कि देखो देखो वेंट्रल सतह पे दो रो में प्लासेंटा है, ये सब क्या प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा है, तो दो रो में, यही एनसीईआरटी की लाइन लिख देती है और बच्चा समझ ना पाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मार्जिनल प्लासेंटेशन, और देखो मैंने प्रयास किया है कि एनसीईआरटी का ही डायग्राम आपके नोट्स में चेपूं, तो आपको दिख भी रहा होगा एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने चेप दिया है। और एक बार जल्दी से मैं आपको मार्जिनल प्लासेंटेशन दिखा दूं, यहाँ पे देखो क्या है, वही फाउंड इन यूनिलोक्युलर मल्टी कार्पेलरी ओवरी, ठीक है, यूनिलोक्युलर मल्टी कार्पेलरी मैंने समझा दिया, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे गलत लिखा है, यूनिलोक्युलर यूनिकार्पेलरी ओवरी, मल्टी कार्पेलरी नहीं, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही करो, मैं सही करके भेज दूंगा, ठीक है चिंता ना करो, ठीक है। अरे भाई फेवेसी फैमिली कार्पेलिक होगा ना, जीवन जीवन खाएंगे, जीवन खाएंगे, दाल खाएंगे तो जीवन रहेगा, ठीक है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग है, ठीक है, मोनोकार्पेलरी ओवरी, यूनिलोक्युलर मोनोकार्पेलरी ओवरी, ठीक है, हम सही कर देंगे। प्लासेंटा फॉर्म्स रिज अलोंग द वेंट्रल सचर, ये देखो अभी मैंने आपको दिखाया था, रीज मतलब क्या उभार, मतलब कि ये मतलब कि अंदर की तरफ जो ये एक तरीके से ये समझो ये जो है पार्ट,
ठीक है, तो ऑन वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल्स आर बॉर्न, मतलब कि पाया जाता है, पैदा होता है, ओव्यूल कहाँ पे अटैच होता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन दिस रीज फॉर्मिंग टू रोज, यही बात समझाने के लिए मैंने चिमनी को क्या कर दिया, खोल दिया, और देखो एक रो ये है और एक रो ये है, और उन दोनों पे दाने का अरेंजमेंट देखो कितना बढ़िया है, ठीक है, अल्टरनेटिव। तो ये आ रहा आपका स्टार्टिंग में ओव्यूल, ये ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी बारे में पूरा का पूरा फ्रूट बन जाएगा ये, जिसको फली कहते हैं, पॉड, पी पॉड, ठीक है, और ओव्यूल बन जाएगा बारे में सीड, ठीक है, ये डॉर्सल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस पे अटैच्ड ओव्यूल्स, ठीक है, मतलब कि जिसको बाद में आप सीड कहते हो। तो आप खाते क्या हो, आप जो घुगनी बना के उसका खाते हो या जो भी फ्राई करके खाते हो, वो सीड है बेसिकली, क्या है वो, सीड खा रहे हो, ठीक है, लेगुमिनेसी फैमिली इसका एग्जांपल है, मतलब कि पी, ठीक है। तो ये वाला आपका पहला वाला हुआ मार्जिनल, ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं अब, पेराइटल। हाँ भाई, पेराइटल का मतलब क्या होता है, चलो इसको यहाँ पे घेरा लगाते हैं, ठीक है, अब इधर की तरफ देखते हैं हम लोग पेराइटल। हाँ भाई, पेराइटल का मतलब क्या होता है, देखो पेराइटल का मतलब भी होता है वॉल, पेराइटल का मतलब भी क्या होता है, वॉल। पहली बात कि पेराइटल किस ओवरी में मिलता है, पेराइटल प्लासेंटेशन किस ओवरी में मिलता है, तो पेराइटल प्लासेंटेशन मिलेगा पहली बात मल्टीलोक्यूलर सिनकार्पस मल्टी कार्पेलरी ओवरी। अब आपको टर्मिनोलॉजी का खेल समझ में आने लगा होगा, मल्टीलोक्यूलर इसका मतलब क्या है कि ओवरी के अंदर कई सारे लोक्यूल्स हैं, कैसे बने वो भी आपको दिख जाएगा। सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड कार्पेल्स कई सारे, मल्टी कार्पेलरी नाम से पता चल रहा है, कई सारे कार्पल, और आगे वर्ड लगा दिया सिनकार्पस मतलब कि वो सारे कार्पल फ्यूज्ड। नाउ अब जो आगे डायग्राम है एनसीईआरटी में वो क्या है ना, आपको जैसे मान लो कि ओव्यूल्स है, जैसे मान लो कि ओवरी है, तो ओवरी का आपको ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर कर करके बनाया गया, ट्रांसवर्स सेक्शन, ओके, तो हम भी वही बनाने जा रहे हैं, समझ जाओगे ना, मान लो कि ये एक कार्पेल है, ये एक कार्पेल है, ये कार्पेल है, ये सब कार्पेल फ्यूज्ड है, तो आपको ऐसा वाला डायग्राम लॉन्गिट्यूडनल नहीं देखा, आपको यहाँ से काट के जो दिखेगा वो आपको ऐसे दिखेगा, राइट, तो ये वाला व्यू आपको दिखाया जाएगा जहाँ पे वो फ्यूज्ड है, ठीक है, चलिए, मतलब कि ट्रांसफर सेक्शन। तो आइए आपको ट्रांसफर सेक्शन में आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे आपकी, देखो भाई मल्टी कार्पेलरी बोला, हेलो याद है ना, मल्टी कार्पेलरी में 2 भी हो सकता है, 3 भी है, 5 भी, 4 टू 16 भी, वैरायटी ऑफ मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस है। एनसीईआरटी ने आपको 3 कार्पेल का फ्यूजन दिखाया है, कितने, 3, तो मैं भी आपको यहाँ पे 3 कार्पेल का फ्यूजन पहली बार दिखा देता हूँ, ये देखो, अब इसको मैं 3 हिस्सों में मार दूंगा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक एक कार्पेल, और यहां से लेके यहां तक फिर एक कार्पेल, अरे ठीक है। अब देखो ये कार्पेल है, तो कार्पेल में आप जानते हो ओवरी होता है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, तो भैया मैंने आपको कौन सा सेक्शन पढ़ाया भी तो सोचो यार, मैंने आपको ओवरी का सेक्शन काटा है, तो स्टिग्मा और स्टाइल कहां से दिखाऊंगा यार, समझ रहे हो, स्टिग्मा स्टाइल कहां से दिखाऊंगा, काट दिए ना नीचे से, स्टिग्मा स्टाइल गया, उसको अब लेना भी नहीं है, ठीक है। तो नाउ ये ओवरी का पार्ट है, तो मतलब ये ओवरी की दीवारें हैं बेसिकली, क्या ये ओवरी की दीवारें हैं, तो ये लो एक कार्पेल यानी कि एक ओवरी की दीवार है, ठीक है, एक, और यहाँ पे फ्यूजन एनसीईआरटी ने थोड़ा सा उसको ऐसे करके उभरा दिया है, ठीक है, ताकि पता चले यहाँ पे फ्यूजन है, ठीक है। दूसरा ओवरी मतलब दूसरा कार्पेल का ओवरी ये रहा, दूसरा कार्पेल का ओवरी, ठीक है, यहाँ पे फ्यूज दे तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके उठा दिया एनसीईआरटी ने, ठीक है। तीसरा कार्पेल का ओवरी, केवल ओवरी वाला सेक्शन दिखेगा ना आपको यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे बताओ 3 ओवरी के 3 कार्पेल के 3 ओवरी यहाँ पे दिख रहे हैं, बिल्कुल, अब मुझे बताओ ये क्या है, उनका फ्यूज्ड मार्जिन है, ये क्या है, उनका फ्यूज्ड मार्जिन ऑफ ओवरी, फ्यूज्ड मार्जिन ऑफ ओवरी, ठीक है भैया, तो फ्यूज्ड, अच्छा रुक, यहाँ मल्टी लोक्युलर नहीं, यूनिलोक्युलर, डायग्राम में समझ में आ जाएगा, ठीक है, रुक जाओ ना, हाँ, ये क्या है फ्यूज्ड मार्जिन ऑफ ओवरी, ये भी क्या है फ्यूज्ड मार्जिन ऑफ ओवरी, ये भी क्या है फ्यूज्ड मार्जिन ऑफ ओवरी, तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने ओवरी हो गए, नंबर 1 ओवरी, नंबर 2 ओवरी, नंबर 3 ओवरी, और जितने कार्पेल होंगे उतने ओवरी होंगे ना यार, हर कार्पेल में एक ओवरी होता है, बताया कि नहीं बताया,
वो सब के सब फ्यूज हो गए, तीन कार्पस वर्ड दिख रहा है, मल्टी कार्पेलरी दिख रहा है। मुझे बताओ लोक्यूल्स कितना बना, मुझे बताओ लोक्यूल्स कितना बना, अतीक फ्यूज हो गए, लोक्यूल्स कितना बना? सिंगल सिंगल, इसलिए यहाँ सही किया मैंने, यूनि लोक्यूलर, सिंगल लोक्यूल्स है, सिंगल लोक्यूल, सिंगल लोक्यूल्स है। अरे ठीक है, अब कहोगे सर आप तो कहते हैं कि ओवरी की दीवारों से प्लासेंटा अटैच होता है, प्लासेंटा से ओव्यूल, बिल्कुल सही है। आओ दिखाते हैं, यहाँ देखो ये ओवरी की दीवार है ना, तो ओवरी के दीवार की अंदर वाली सरफेस, ये बाहर वाली है और ये अंदर वाली है, ओवरी के दीवार के अंदर वाले सरफेस से जितने ओव्यूल अटैच होने हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लो कि मैंने एक यहाँ दिखाया, एक यहाँ दिखाया है, इससे भी एक यहाँ, जितना स्टडी तो करना दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है। ये प्लासेंटा है और उससे अटैच ओवरी, सॉरी ओव्यूल है, ये ओवरी और ओव्यूल बार बार दीवार जुबान पे गड़बड़ाता है, ठीक है, इस टाइप से। अब आप बोलोगे सर ये सेंटर पे ये क्या रहेगा, अरे कुछ नहीं, ये सेंटर पे जो है ना ये भाई चैम्बर है, वो अंदर में कुछ नहीं है, कैविटी है, चैम्बर्स है, कुछ नहीं अंदर में, ओवरी फ्यूज हुए मतलब कार्पेल फ्यूज हुए, अंदर में एक ही चैम्बर बचा, तो बताओ वो फ्यूज होकर कॉमन के कॉमन क्या बन गए, एक सिंगल ओव्यूल भी आप, सिंगल ओवरी भी उसको आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन उसमें कई सारे ओवरी फ्यूज है और अंदर में एक सिंगल क्या बना, चैम्बर। तो एक ही ओवरी के अंदर चैम्बर बने तो वो भी लोक्यूल्स हैं, एंड फ्यूजन ऑफ ओवरी से चैम्बर बने वो भी लोक्यूल्स हैं, और मेनी फ्यूजन करेंगे ओवरी तो भी सिंगल लोक्यूल्स बन सकते हैं, ये सुन लो, तो ये सिंगल लोक्यूल बन गए। और आप देखो आप यहाँ पे कि ये ओव्यूल्स कहाँ पर अटैच है, उसकी दीवारों पर, पेरीफेरी पर, कहाँ पर, पेरीफेरी, किनारे पर, किनारे पे भी, कहाँ, बाहर से अंदर से, अंदर से किनारे पे भी अंदर से। देखो तो एक तो होता है सेंटर, सेंटर ये होता है, क्या यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे तो नहीं है ना, तो पेरीफेरी पे है, तो इसका क्या नाम पड़ गया, पेराइटर, मतलब दीवार, दीवार हमेशा कभी भी सेंटर पे नहीं होता है, अगर दीवार हमेशा किनारे से होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका यूनिलोक्युलर स्किन कार्पस मल्टी कार्पेलरी ओवरी के अंदर, ये रही बात एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको सारे के सारे ट्रिक से बता दूंगा, अभी रुक जाओ, पहले आपको मैं इसका डायग्राम एनसीईआरटी वाला दिखा देता हूँ, बन सके, ये देखो पैराइटल वाला, ठीक है, ये देखो, ये देखो ये क्या है आपका फ्यूज्ड मार्जिन ऑफ कार्पेल, है कि नहीं, इनर वॉल ऑफ द वॉल, इनर ओवरी वॉल, और ये ओव्यूल, और ये सिंगल लोक्यूल्स, ठीक है। अब समझना, एनसीईआरटी एक लाइन छोड़ती है और कई सारे एग्जामिनेशंस में एक लाइन आता है कि कई बार पेराइटल प्लासेंटेशन में आपको बायलोक्युलर या ट्राइलोक्युलर ओवरी दिखेगा, है ये क्या बोल दिया, अगर पेराइटल है तो पेराइटल का मतलब तो यही है कि किनारे किनारे से लगा हुआ है ओवरी के, इनर वॉल के किनारे किनारे क्या लगा हुआ है, ओव्यूल। लेकिन आप तो कह रहे हैं सर वो तो यूनिलोक्युलर में मिलता है, हाँ सही तो कह रहे हैं, लेकिन कई बार फॉल्स सेप्टा बनता है, क्या बनता है, फॉल्स सेप्टा। ट्रू सेप्टा क्या होता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ, देखो कई बार क्या होता है, जहां से फ्यूज किया ना वो वाला पार्ट अंदर की तरफ आ जाए, ओवरी जहां पर फ्यूज किया वो वाला पार्ट अंदर की तरफ आ जाए, तो देखो मल्टी लोक्यूलर हो गया ना, एक लोक्यूल, दो लोक्यूल, तीन लोक्यूल, तो इसको, इस वाले दीवार को बोलते हैं क्या, ट्रू सेप्टा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ आगे होगा, बताएंगे किस में होगा। यहाँ क्या होता है मुझे एक बात बताओ, अगर ये तीन गो है, क्या ये तीन गो कार्पेल है, तीन ओवरी फ्यूज हुआ है, उसके नीचे यहाँ पे क्या हुआ होगा, अरे यहाँ पे क्या रहा होगा, बोल सकते हो अतीक, ये क्या रहा होगा, ये जो बोरोलिन का डब्बा, ये क्या रहा होगा, अरे थैलेमस यार, ओवरी तो फ्यूज किया है, ये थैलेमस रहा होगा, तो थैलेमस होगा फिर, हाँ। अब मुझे बताओ इन सब के बीच बीच में गैप था, तो ये थैलेमस का ना कुछ पार्ट ऊपर की तरफ उभर के आया, थैलेमस का कुछ पार्ट ऊपर की तरफ उभर के आया, तो देखो ये क्या था, इनिशियली ये यूनिलोक्युलर, ठीक है, मान लो कि यहाँ से जो दो गो फ्यूज हुआ है ओवरी, तो दो गो क्या निकला हुआ, इससे क्या निकला हुआ यहाँ पे, ओव्यूल। अब नीचे की तरफ से क्या आ गया, थैलेमस का आउट ग्रोथ, थैलेमस का इन ग्रोथ बोलो, मतलब थैलेमस अंदर की तरफ डेवलप कर दिया, और जहां पर उनका फ्यूजन पॉइंट था उसके बीचों बीच एक दीवार बना दिया, उसको कहते हैं रेपलम, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं रेपलम,
इस वाले डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ, जैसा मान लिया जाए यही था, यही था, तो अंदर से क्या आया, मतलब नीचे से क्या आया, रेप्लम। रेप्लम क्या है, थैलेमस का ग्रोइंग पार्ट। तो मान लो कि एक दीवार यहाँ बन गया, एक दीवार यहाँ बन गया और एक दीवार यहाँ बन गया, तो देखो अब मल्टी लोकुलर लग रहा है। बट इम्पॉर्टेंट कि ये ट्रू सेप्टम नहीं है, ये अंदर अंदर की दीवार को कहते हैं सेप्टम दीवार, ये अंदर की ट्रू दीवार नहीं है, ये थैलेमस का ग्रोथ है, थैलेमस का डेवलपमेंट है, और इसका नाम होता है रेप्लम, और रेप्लम इज द फॉल्स सेप्टम, फॉल्स सेप्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको मिलता है किसमें, क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, ऐसा वाला पार्ट, ये रेप्लम वाला पार्ट। अच्छा एक प्लांट है जिसका नाम है आर्जीमोन, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा ये रेप्लम वाला पार्ट, और विदाउट रेप्लम वाला जो आपको पैराइटल देखने को मिलेगा वो मिलेगा कुकरबिटेसी में, किसमें, कुकरबिटेसी में, मगर ये ज्यादा नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है ये। और आप जानते हो कि क्रूसीफेरी का एकदम फेमस एग्जाम्पल है क्या, मस्टर्ड, है कि नहीं। एक एग्जाम्पल और बताया था आपको, याद है, कैप्सिला, बोले थे ये भी याद रख लेना, कैप्सिला, ठीक है। तो ये रहा आपका कौन सा पार्ट, देखो मैंने अलग से बनाया है डायग्राम, ये वाला एनसीईआरटी में नहीं है, नीचे वाला डायग्राम नहीं है एनसीईआरटी में, ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग तो एग्जाम्पल कौन सूट खा रहा है, कुकरबिटेसी। लेकिन एनसीईआरटी ने यही डायग्राम बना के एग्जाम्पल में ब्रेसिकेसी क्यों लिखा, बोलो, ब्रेसिकेसी मस्टर्ड कैप्सिला या अलग से एक अलग फैमिली का एग्जाम्पल है आर्जीमोन क्यों रखा, क्योंकि उसमें इनिशियली तो ऐसा ही होता है। अरे बोलो, देखो ना, इनिशियली तो वैसा ही है, यूनिलोकुलर ही है ना, और बाद में फाइनली जब थैलेमस ग्रो करता है तब ना जाके रेप्लम बनता है, तब ना बायलोकुलर या कहीं पे ट्राइलोकुलर ऐसा हो जाता है। तो ये था आपका पैराइटल प्लासेंटेशन, तीन प्लासेंटेशन बचा है, अगले मीटिंग में लेते हैं उसको जल्दी से। यहां तक को डाउट है, रिभा? अतीक? नो सर, ये पूछना था। बोलो। ये पोएसी, फैबेसी, लेग्यूमिनेसी और एक चीज से था ग्रामिनी, सब एक ही फैमिली का नाम है। ग्रामिनी, पोएसी पहली बात अलग फैमिली, सुनो, पोएसी अलग फैमिली है, पोएसी है चावल दाल वाला फैमिली, सॉरी चावल वाला मक्का वाला जिससे चपाती बनता है, ठीक है। और इधर आ जाओ, ग्रामिनी, लेग्यूमिनेसी और फैबेसी, ये तीनों एक ही फैमिली का नाम है, और ये है दाल वाला, क्लियर है? पेपिलियोनेसी, हाँ वो भी उसी का नाम है, फैबेसी का, क्लियर है? वो फैबेसी का हो गया, हाँ फैबेसी का ही नाम है दाल वाला, ठीक है। आगे भी आएगा, फैमिली में आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो इतना याद करो, अगले मीटिंग में मिलते हैं।